अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजिट कैड एंड कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 32x32 का 2BHK का प्लान बताने वाला हूँ, जो मैंने एक रिसेंटली क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था। जो उम्मीद है आपको भी ये प्लान ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए डायरेक्टली आपको प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। और आपका कोई पर्सनल प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता दे तो आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपका प्लान ज़रूर शो करूँगा। पर्सनल प्लान के लिए कुछ नॉर्मल से चार्जेस है, वो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली आपको मैं प्लान शो करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान, फ्रंट साइड 30 फीट की रोड है जो एक ही तरफ रोड है इस प्लॉट को। और साइड बैक की अगर बात करें तो मैंने राइट और लेफ्ट और बैक साइड तीन तरफ मैंने 1.5 फीट छोड़ा है एज़ पर क्लाइंट के हिसाब से। तो बाकी जगह पूरा ये यूज़ है, फ्रंट फेस भी है टोटल ये यूज़ है। और यहाँ पे देखिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी इस टाइप की थी कि उनको 2 बेडरूम हॉल किचन इस टाइप का उनको चाहिए था, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है, जो काफ़ी लाइन लेवल में ये सेट हुआ है, काफ़ी सिस्टमेटिक भी ये सेट हुआ है। तो चलिए शो करता हूँ आपको इस प्लान। यहाँ पे देखिए, फ्रंट साइड यहाँ पे मैंने कुछ बेसमेंट के स्टेप्स वगैरह शो किया है, जो डायरेक्टली आपको रोड लेवल हाइट जो भी हो वो उसको डिवाइड कर लें आप इसको। और यहाँ पे फ्रंट साइड इनसाइड आने के बाद में आपको एक पार्किंग मिलेगी, जो 14 फीट बाई 6 फीट को आपको पार्किंग मिल रही है, जहाँ पर आप ईज़िली 2 से 3 बाइक ईज़िली पार्क कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस। और यहीं पर लेफ्ट साइड से स्टेयर्स है जो कंटिन्यूसली फ्लोर कंटिन्यू होंगे। और यहीं लैंडिंग के नीचे आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा टॉयलेट बना सकते हो, जो मैंने यहाँ पे WC शो किया है, जो 3 फीट बाई 6 फीट का आपको मिल सकता है। आप चाहे तो अटैच बना सकते हैं या फिर कॉमन भी बनाना चाहे तो बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए, मैंने मेन एंट्रेंस डोर यहाँ पे दिया है, जो डायरेक्टली आपको हॉल में आने के लिए है। हॉल में आने के बाद में आपको काफ़ी कंफर्टेबल हॉल मिलेगा, जो 16 फीट बाई 12 फीट का आपको ये हॉल मिल रहा है। इस हॉल में मैंने 2 विंडो लिया है, एक फ्रंट साइड है और एक यहाँ पे लेफ्ट साइड है। और यहाँ पे इस तरफ इस कॉर्नर पे मैंने सोफ़ा सेट वगैरह सेट किया है, और यहाँ पे इस तरफ टीवी के लिए इस वॉल को सेलेक्ट किया है इस तरफ, ताकि इसके अपोजिट में रहें, काफ़ी सिस्टमेटिकली ये सेट भी हो गया है। और एक डोर मैंने फ्रंट साइड में लिया है, एक बेडरूम में आने के लिए है। आप इन साइड से भी आ सकते हो और फ्रंट साइड से भी आ सकते हो इस बेडरूम में, आप चाहे तो एग्जिट डोर भी कह सकते हो उसको एक्स्ट्रा एक। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ आपको 2 आर्च मिल रहे हैं। इस आर्च से इनसाइड आने के बाद में आपको बेडरूम में आने के लिए वे है। और यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड आपको 2 डोर लगेंगे बेडरूम्स के। इस बेडरूम का डायमेंशन देखिए, 10 फीट 9 इंच, जैसे में 8 फीट आपको ये बेडरूम मिल रहा है। इसका फ्रंट साइड मैंने विंडो लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर राइट साइड भी ले सकते हो। और एक जो यहाँ पर डोर है, ये मास्टर बेडरूम है, जो 10 फीट 9 इंच बाय इसमें 10 फीट आपको मिल रहा है। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो लिया, एक बैक साइड है एक राइट साइड है। और जो अटैच मैंने WC बात दिया है, उसका डायमेंशन देखिए, 7 फीट बाय 3 फीट 9 इंच का ये आपको अटैच WC बात मिल रहा है इसमें। और यहाँ पे देखिए, इस तरफ ये जो आर्च है, इसके इंसर्ट जाने के बाद में आपको एक बात की तरफ जाने के लिए वे मिल रहा है, किचन की तरफ जाने के लिए एक वे मिल रहा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ बात बनाया है, और जो एक्स्ट्रा मैंने टॉयलेट जो बनाया है वो लैंडिंग के नीचे है, ताकि एक सेपरेट भी रहे। एक तो अटैच आपको बेडरूम में मिल ही रहा है, एक तो सेपरेट रहे, इस टाइप का मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे ये बाथ जो है 4 फीट बाई 6 फीट का आपको ये बाथ मिल रहा है। इस तरफ मैंने थोड़ा सा इसको हैंड वॉश के लिए, इस तरफ वॉश बेसिन बनाने के लिए इस वॉल को सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ पे बचा के रखा है। और यहाँ पे बैक साइड इसका वेंटिलेटर भी है। और यहाँ पे देखिए, किचन का डायमेंशन देखिए, 8 फीट 9 इंच, जैसे में 10 फीट का आपको क्लियरली किचन मिल रहा है। इस तरफ किचन प्लेटफॉर्म मैंने लिया है, और इस किचन में 2 विंडो है, एक बैक साइड है एक यहाँ पे लेफ्ट साइड है। और यूटिलिटी भी आपको मिल रही है, 3 फीट आपको क्लियरली इस तरफ। और यहाँ पे 4 इंच की वॉल भी मैंने लिया है, आप इसको 3-4 फीट की हाइट पे लेके ऊपर चाहे तो आप ग्रिल वगैरह ले सकते हो, ताकि उस तरफ सेफ्टी भी रहे और वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो 1.5 फीट टोटली साइड बैक आउटसाइड ही है, इसको यूज़ नहीं किया गया है। आप चाहे तो बाउंड्री वॉल लेना चाहे तो ले सकते हो, या फिर ओपन स्पेस रखिए उस तरफ, कुछ भी प्लम्बिंग का जो भी चेंबर वगैरह क्या है बना के इजीली आउटसाइड निकाल सकते हो। अगर सेप्टिक टैंक की अगर बात की जाए तो स्टेयरकेस के नीचे आपको बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर ले सकते हो। तो आउटर से आउटर डायमेंशन देखिए, 32 है, और यहाँ पर ये आउटर से आउटर 32। वाटर टैंक आप चाहे तो इस तरफ बना सकते हो इस पार्किंग के पास फ्रंट साइड में, और सेप्टिक टैंक इस तरफ स्टेयरकेस के नीचे आप चाहे तो ईजिली बना सकते हो।
तो दोनों ऑप्शन आपको मैं शो कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो सूटेबल हो उस हिसाब से ले लीजिए। तो ये प्लान एज़ पर मेरे क्लाइंट के हिसाब से बना है, फिर भी आपको उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो आप चाहे तो किचन को फ्रंट साइड लेके बेडरूम को बैक साइड भी करना चाहे तो इजीली आप कर सकते हो। तो ये आपके हिसाब से जो सूटेबल हो आप उसको ले लें ऑन साइड पे। तो बस यही बताना चाहता था आपको इस वीडियो में जो मैंने प्लान सेट किया है अपने क्लाइंट के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके कॉलम वगैरह शो करूँगा कि इस प्लान में कहाँ पे कॉलम आना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।